If somebody's worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. But we get nothing. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा, उसी पॉइंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया। सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में चलने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया है और कहा है कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, ठीक वैसे ही चर्चा हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। और इसी आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की बात कर रहे थे, लेकिन बवाल बढ़ा तो कुछ ही घंटे बाद सफाई देने की जरूरत पड़ गई। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत टैक्स का जिक्र किया। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मैंने कहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा अब भले ही ये कह रहे हो कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनका ये बयान आया तो खुद पार्टी अध्यक्ष भी अनजान बन गए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सैम पित्रोदा के बयान को उनका निजी बयान बताया है। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। सैम पित्रोदा ने विरासत के बंटवारे का राग ऐसा छेड़ा कि कांग्रेस को उनके बयान से किनारा करने और खुद सैम पित्रोदा को सफाई देने में देर हो चुकी थी। बीजेपी और आरएलडी ने सैम पित्रोदा के बयान को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस की नीतियों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। सैम पित्रोदा की तो बात छोड़ो, वो पता नहीं विदेश में बैठ के क्या क्या बोलते हैं। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान है वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है
ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। सैम पित्रोदा अब सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर रही है, लेकिन सच यही है कि दूसरे चरण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक और बड़ा मौका दे दिया है।